तो भाई 4G हरियाणा और लोकल हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को जय वीर की ओर से राम राम। फिलहाल भाई चंद्रपाल भैणी गांव में मौजूद हाँ, और आपने 2-3 दिन पहले एक मामला देखा होगा हरियाणा में जींद के रामकली में भाई, किस तरीके से एक लड़की का जो हत्या हो जाती है या मर्डर होता है, किस तरीके से छत पर से कूद गए, वो मामला आपने हरियाणा में देखा है। तो फिलहाल वो लड़की जिस गांव की थी, यहां पर पीछे आप देख सकते हैं पूरा परिवार जो है बैठा है, और भाई इनका कहना है कि जो आरोपी है आज भी खुले में घूम रहा है, इनको कोई पता नहीं है कि आरोपी पकड़ा भी गया नहीं पकड़ा गया। तो इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है और अभी तक क्या कुछ छानबीन हुई है, क्या जो आरोपी था उसको पकड़ा भी गया नहीं गया है, तो अभी बातचीत करेंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो सर जैसे आप बता रहे थे कि जो लड़की थी उसकी हत्या हुई है, तो आज आप लोग आईओ के पास गए थे, जो बातचीत हुई थी एक बार पहले तो दर्शकों को बता दो। हाँ जी, हम आज आईओ के पास गए थे जी। जी आज उसने हमको दिलासा ही दिलाई है कि भी आज इसकी मेडिकल करके इसकी आज गिरफ्तारी हो जाएगी, एक की होगी। अच्छा। लेकिन जो 3 बच्चे हैं उसकी ये होने के बाद उसकी जांच छानबीन करके उसके बाद उनकी हो जाएगी। मतलब आज एक की गिरफ्तारी हो चुकी है या नहीं हुई है? अभी तक नहीं हुई, लेकिन आज शाम तक उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। अच्छा, ऐसे हमको दिलासा दिलाई उसने। जो एफआईआर में है आपने 4 लोगों के नाम दिए हैं क्या? हाँ जी, 4 लोगों के नाम दिए। किस बेस पे? वो तो एक योजनाबद्ध तरीके से उसका मर्डर किया गया है। अच्छा। इस तरीके से क्योंकि पहले भी उसका ये केस चला हुआ था। कौन सा केस चला हुआ था ये? दहेज प्रथा का जी। अच्छा, दहेज प्रथा। हाँ, उसको शुरू से जैसे शादी हुई थी 3-4 महीने के बाद ही उसको ऐसे प्रताड़ित करते थे, गंदी गंदी गालियाँ वगैरह देते थे, जैसे कि पहले से अनबन हो चुकी थी। अच्छा, ठीक है। और जब उसको नोटिस मिला कि भाई अभी इसको मेंटेनेंस अलाउंस देना पड़ेगा, खर्चा देना पड़ेगा घर बैठ के, तो पहले जैसे नोटिस आया तो आपस में उन दोनों की बातें होने लगी। उसको बताया कि भाई ठीक है, हम अच्छे से रहेंगे, ऐसे करके कि उन दोनों का दिल मिल गया। अच्छा। तो बोला ठीक है, मैं आपको लेने आ जाता हूँ, अपना घर बसा लेंगे। चलो ठीक है, बोला इधर से ही बात होगी, बोला ठीक है हम चले जाएंगे, लेके उसको चला गया। 2 महीना लगभग अभी साथ में रहे होंगे। अच्छा। उसके बाद हमारे साथ ये हादसा हो गया। अच्छा। हाँ, तो मतलब वो 2.5 साल यही आपके घर पर ही रही थी? हाँ, अभी तक घर पर ही रही थी जी। एक छोटा बच्चा 2.5 साल का, पिछले 2.5 साल से तो इधर ही थी वो, बच्चा भी इधर ही बड़ा हुआ है, 10 दिन का उसको लेके इधर ही आए थे हम। अच्छा। हाँ जी। तो दहेज में मतलब ऐसे क्या डिमांड कर रहे थे वो भाई कि ये करना? देखो जी, जब 1 साल हुआ था तब उन्होंने ये बोला था कि भाई आप लोगों ने सब कुछ दे दिया लेकिन हमको एक बाइक नहीं दी है। अच्छा। हाँ जी, अभी गरीब परिवार ने हम इतना दे दिया वो बहुत कुछ होता जी। अच्छा। हाँ जी। तो भाई आप देख सकते हैं हरियाणा में आए दिन ऐसे मामले देखने को सामने आते रहते हैं कि दहेज प्रथा के लिए कहीं ना कहीं लड़कियों की जो बलि है वो चढ़ते रहते हैं आए दिन। और यही भी एक मतलब एक बाइक के लिए आप बता रहे हैं किस तरीके से 6 साल से 1 साल के बाद जो है उसका ये रंग रूप देखना सामने आ गया था। उसके बाद लगातार लड़की को प्रताड़ित करता था, लेकिन 2.5 महीने यहाँ पर रहने के बाद उनकी आपस में मतलब बातचीत होगी थी। 2.5 साल यहाँ पर रहने के बाद उसके बाद वो 2 महीने पहले गई थी। और अंकल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो वही बातचीत करेंगे। आप जी नमस्कार जी। नमस्कार। आप क्या लगते हो लड़की के? मैं लड़की का ताऊ। अच्छा, लड़की का ताऊ हो। तो आपको कैसे कब पता चला था ये हादसा हो गया? ये 31 तारीख को शाम ने 5:30-6 बजे के आसपास जानकारी मिली है। अच्छा जी। और जैसे ये घटना घटी है, इस घटना पे ही मैं थोड़ा प्रकाश डालूँगा। जी जी। वो जो कह रहे हैं कि लड़की कूदी है, आत्महत्या की है, हमारा ये कहना है कि प्री प्लानिंग के तहत योजनाबद्ध तरीके से उसको मारा गया है। अच्छा। अब इसका आधार हमारा लॉजिक ये है, कोई भी घटना दुर्घटना होती है जी जी, लड़का है लड़की है, तो कम से कम जो लड़का है लड़की है उसके माँ बाप होते हैं, प्रथम सूचना उसको मिलनी चाहिए। जी जी। इन्होंने प्रथम सूचना नहीं दी, सूचना 2 घंटे के बाद, वो भी इधर उधर से सूचना हमें मिली, सीधी सूचना हमें नहीं मिली। अच्छा। एक आधार तो ये है कि इन्होंने छिपाने की कोशिश की, बचने की कोशिश की, और फॉर्मेलिटी के तौर पे ये सामान्य अस्पताल में जींद देकर गई। जींद जाने के बाद में डॉक्टर ने फोन किया गतोली चौकी में, रुका गया है, तब जाकर ये मतलब पुष्टि कुछ हुई है। इसके साथ साथ जैसे ही 2016 में शादी हुई, शादी के बाद में 3-4 महीने से ही लड़की को परेशान करना उन्होंने शुरू किया। और एक समय तो ऐसा था हमारे जो भाई बंद हैं वो उस समय पर लड़की के पास नहीं जाते, तो प्लानिंग तो उनकी पहले से ही थी उसको प्रताड़ित करना और
अलग तरह की दवाइयाँ खिलाना, बिल्कुल वो माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, चाचे को, ताऊ को, किसी को नहीं पहचानती थी, ऐसी दिशा उसकी कर रखी थी लड़की की। उस समय पर अगर हम नहीं जाते तो उस समय पर भी ये काम हो सकता था। अच्छा हाँ, और ये शुरुआती दौर ऐसा है जिस ढंग का मामला है, लड़का जो है वो लड़की को पसंद नहीं करता था। अच्छा, ये बताओ पहले, ये लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? नहीं, जो हमारी शादी होती है बिल्कुल पूर्ण रूप से शादी की थी। सारी जो प्रक्रिया होती है वो सारी प्रक्रिया अपनाई गई है, बहुत ही खुशी के साथ वो शादी की थी। और क्योंकि वो जो लड़का है जी, अब जो जेठ है, जेठानी है, उसका फादर है लड़के का, चार जो नामजद है उसका कारण है ना, नहीं तो वो जो लड़की है दूसरी उसकी जेठानी, वह भी तो किसी की बेटी है, बिल्कुल क्यों आता उसका नाम? ये एक सवाल है अपने आप में, ये रीजन है। इस रीजन के साथ साथ तीसरा रीजन ये है जो लोभ लालच का, दहेज वाला। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रही, ढाई तीन साल से लगातार वो लड़की यहाँ रही है, माँ बाप ने उस लड़की को संभाला है, चाचे तवा ने संभाला है, तीन चार महीने लगातार उसका इलाज करवाया प्रॉपर, तब जाकर वो होश आवास में आई है। ये घटना मतलब लगातार उस लड़की को प्रताड़ित किया जा रहा था। इसके साथ साथ जो पर्चा दर्ज हुआ ना उस लड़के के खिलाफ, लड़के के खिलाफ पर्चा दर्ज होने के बाद में फिर वो लड़का आया है, लड़की को उसने मोटिवेट किया है, अपने हिसाब से समझा लिया कि अब आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अच्छा। आप निश्चित हो जाओ, मैं जिम्मेवारी लूँ हूँ, मेरा जो अलग नेचर था मैं उससे भी दूर किनारा कर जाऊँगा, ये सारे लोभ लाल सारे करके और लड़की को अपनी तरफ कर लिया। जब ये दहेज का पर्चा दिया, हाँ, दहेज का पर्चा दर्ज होने के बाद में पहला नोटिस गया उस दीपक के पास, तभी वो आया यहाँ। उसके बाद में ये एक डेढ़ महीने लगातार मतलब ठीक ठाक दिखाने के लिए ठीक ठाक रखी गई है जी। और तो सर, जैसे जब ये 31 मई को ये पूरी जो हुआ, उसके तुरंत बाद आपको जानकारी नहीं दी गई कि भाई ऐसे ऐसे लड़की छत पर से गिरी है या कूदी है? नहीं, मैं बता रहा ना, ये जो फुटेज है हाँ, वो कह रही है कि 3:47-46 के आसपास का ऐसा दुर्घटना घटना ही है जी, जी। मगर 5:30 सूचना मिली है। एक आधार तो, एक लॉजिक तो ये बनता है कि प्रथम सूचना देनी चाहिए थी, नहीं दी उन्होंने, पास कॉल करनी थी भाई, वो ऐसे गिरी है या वो किसी तरीके से जो भी कोई है, भी पैर फिसलाया, वो करना चाहिए था मगर नहीं किया। 5:30-6 के आसपास जानकारी मिली है, और जानकारी मिलने के बाद में हम गाँव में गए हैं। गाँव में गए, वहाँ मौजूद जो लोग थे, वहाँ के गणमान्य लोग थे, अन्य लोग थे, आसपास के थे, जिससे भी जो बातचीत पूछी गई, किसी की एक राय नहीं थी, 10 से पूछा तो 10 की अलग भिन्न राय थी। अच्छा। कोई कह रहा था हथेली बजा कर वो कूद गई, कोई कह रहा था पैर फिसल गया, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई लॉजिक नहीं था। तो हमने आपस में बातचीत करके हम इस नतीजे पहुंचे कि आपके पास पूरी रात है, जब तक आप हमारा पिट्टा नहीं भरोगे हम नहीं माना आपकी बात। अगर पूरी रात आपके पास है, अगर रात में पिट्टा भर दिया, सुबह 7 हम आएंगे कतौली चौकी में, आज यही रात को नहीं, 31 वाली रात, 31 वाली रात हम 1 को आएंगे, अगर आप हमारा पिट्टा भर दोगे तो ठीक है, वरना हम प्रचार रद्द कराएंगे जी। वहाँ पुलिस की मौजूदगी में भी कई देर तक पंचायतें चली, उसके बावजूद भी हमारी कोई संतुष्टि उन्होंने नहीं करवाई। अंत में हमने प्रचार रद्द करवाया और लड़की का पोस्टमार्टम करवाया जी। लड़की का पोस्टमार्टम करवाने के बाद में हम अपनी डेड बॉडी को यहाँ लेकर आए, और जब पोस्टमार्टम हो रहा था तो DSP IO जो अजय है पुलिस चौकी का, वो ये आश्वासन दे रहे थे कि हमने उसको लोक में कर दिया है, आप निश्चित हो जाओ, गिरफ्तारी हो चुकी है। और हमने कहा कि हम देखेंगे, उन्होंने कहा कि आप हमारे पर विश्वास करो, भरोसा करो। अच्छा। हमने भी एक मायने में उन पर भरोसा किया जी, जी। और कल जैसे अखबार में खबर आई तो हम नतीजे पहुंचे कि लोक में नहीं है, गिरफ्तारी नहीं है, और वो सच्चाई पाई जी। आज हमने जाके वहाँ चौकी में कहा कि आप तो कह रहे थे कहाँ गिरफ्तारी, तो उन्होंने ये कहा कि मेरा हाईकोर्ट का आ गया था, ये आ गया था, वो आ गया था। निश्चित रूप से ये है कि आज उसको अरेस्ट किया जाएगा विधिवत रूप से, और उसकी गिरफ्तारी आज होगी। अच्छा।
इतनी बात जरूरी है, जो तीन नामजद और हैं ये दरी उठने के बाद में हम उस पर अगली कार्रवाई करेंगे। अच्छा, तो आज जो आरोपी है वो जो उसका हस्बैंड है वो उसी की गिरफ्तारी हो? हाँ, उसी की। अच्छा, लड़की का जो हस्बैंड है दीपक, उसकी गिरफ्तारी। पुलिस ने ये आश्वासन दिया आपको? आश्वासन दिया है, और आज तो हमें ये भरोसा भी है क्योंकि हमने जो कार्रवाई की है वो लिखित में हमने देख लिया कि आज होगी उसकी गिरफ्तारी। जैसे ये ऑफ कैमरा ये बता भी रहे थे कि जो लड़की है, मतलब शादी होते हुए भी वो कई बार उसका अबॉर्शन भी करा चुका था। हाँ, ऐसी भी सूचना है। हाँ, सच है ये। अच्छा, सच है। तो ये मतलब ऐसी क्या मानसिकता थी उसकी कि शादी होते हुए भी अबॉर्शन करवा, मतलब ये? वो हो, मैं बता रहा ना कि लड़की नापसंद थी। अच्छा, लड़की से प्यार प्रेम जो होना चाहिए वो नहीं कर रहा था, उसके अपेर जो संबंध थे वो अलग थे जी। और जो लड़का पक्ष था वहाँ के जो बयानबाजी वो कर रहे हैं कि उनका कहना है कि भाई वो कोई मतलब धोख पूजा करके आए थे, उसके बाद वो ऊपर चढ़ी, कुछ इस तरीके से ऐसा है। ये सारी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। जब आदमी फंस जाता है ना तो अनेकों मनगढ़ंत कहानियाँ बनाता है। उसको भी हमने प्रूव किया, वहाँ कोई नहीं गया। अब वो धोख पूजा है, अंधविश्वास है, जो भी है, अगर ऐसा होता वो चार दिन की करे थे, उस पर भी यही, उस पर भी हमारा यही कहना है कि प्रथम सूचना देनी चाहिए थी माँ बाप को कि आपकी लड़की के कोई दिक्कत है, आप आइए। जी जी, नहीं बताया। और जो वो दादा थे वो साथ में मौजूद थे, वो है यहाँ पे मौजूद? यहाँ। कौन से थे वो? वो आ जाएगा घर पे होगा शायद। अच्छा अच्छा, आ जाएगा। तो भाई आप ये पूरा जो मामला पड़ा तो हम सड़कों पर भी जाएंगे मजबूरी में। अच्छा, आज जो है पूरा गाँव वहाँ पर पहुँचा था? नहीं, आज तो पूरा गाँव नहीं था, वहाँ गणमान्य व्यक्ति थे जो कल भी यहाँ आए थे और हम थे। आज तो उतना पूरा गांव नहीं था, मगर हम कह के आए हैं ये बात भी। अच्छा, उनकी तरफ से गांव नहीं था, हमारी तरफ से था। अच्छा, आपकी तरफ से था। हाँ। तो भाई आज जो है ये गतौली जो है आईओ ने इनको आश्वासन दिया है कि वहाँ जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और जो तीन और नाम दिए गए हैं उनका भी जो है भाई कार्रवाई चली हुई है, जैसे ही रिपोर्ट आएगी आगे कार्रवाई होती रहेगी इस तरीके से। और ये पूरी बातचीत आपने देख ली है, हरियाणा में आए दिन जो दहेज के जो मामले हैं आए दिन सामने आते रहते हैं, पीछे चाहे अंकिता का मामला हो। तो भाई आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें ताकि कोई और लड़की इस दहेज के प्रति कुछ आगे ना, कोई नहीं उसके अलग बना लेंगे, कोई ना निकल के आए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें भाई। पूरी स्टोरी आपने देख ली, जो मामला हुआ है, आपकी क्या कुछ राय है आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं। मिलेंगे आगे और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए।